नमस्कार दर्शक बंधु, आज डॉक्टर टॉक को स्वागत करुच्ची मु दुर्गा। दर्शक बंधु, स्वास्थ्य ही संपद, आपण स्वास्थ्य को गुरुत्व दे आमर यही कार्यक्रम डॉक्टर टॉक। हाँ दर्शक बंधु, वर्तमान शीतर आगमन होइछि, भिन्न ऋतु रे भिन्न भिन्न रोग देखा मिली थाए। जदिओ रोग कौन ऋतु देखि आसी न थाए, तेज शीतदिनिया रोग गुड़िक विषय आपड़ जानते कि दर्शक बंधु, शीत ऋतु कि रोग देखा मिली थाए। यही समय साधारण थंडा काश, ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया, फारिंजाइटिस, टनसिलाइटिस, आजमा, लहरा काश, इन्फ्लुएंजा, भाइराल डायरिया एवं चर्म रोग इत्यादि होवार आशंका रही है। त्वचा रुक्ष होइजिबा, रक्त बोहिबा, संक्रमण आदि बहुत किछि होइथाय। मॉइश्चराइजिंग साबुन किंबा क्रीम व्यवहार करी एही समस्या को दूरेइ दिया जाय पारिबो। आपण घरोइ उपाय रे भी नडिया तेल को व्यवहार करि पारिबे, तेबे शीत दिन रे गंठी बिंधा मध्ये होइथाय। एही समस्या दूर करिबा पई प्रचुर व्यायाम करिबा मध्ये आवश्यकता रहिछि। तेबे चलंतु जानिबा मुख्यतः शीत दिने केउ सबु रोग होइथाय एवं एहार प्रतिकार केमिति करिबा। आज परामर्श देबा पई आम सहित उपस्थित अछन्ति डॉक्टर पुंडचंद्र पंडा। सर स्वागत करुछि आजर कार्यक्रम को। नमस्कार। आज्ञा सर, शीत दिन आसीगलाणी वर्तमान, आ शीत दिने आमे जानि थाउ साधारणत विभिन्न थंडा काश छिक एमती सबु रोग होइथाय। तेबे सर शीत दिने केमिति कोन रोग सबु कोन होइथाय आ तार प्रतिक्रिया केमिति कोन आमे जानिबा पई चाहिबा। देखो अन्य ऋतु शीत ऋतु शीत ऋतु वायुमंडल अधिक प्रदूषण युक्त रहे, कारण हूँ वायुमंडल तल स्तर को धूल कणा गुड़िक खसी आसती। तेणु आपणकर अनेक गुड़े शीत आपणकर वायुमंडल दूषित हवा सह शुष्क होते, तेणु शीत दिन कतोटी छोटिया छोटिया स्वास्थ्य समस्या देखा जाए। जोटा आप कहते शीत दिन में मुख्य कहवाक गले थंडा ज्वर काश कथा आसव, आपणकर एलर्जी कथा आसव, डस्ट एलर्जी जो मानकर से माने विशेषत सतर्क माने निजक सचेतन कर रखा दरकार, कारण शीत दिन डस्ट एलर्जी का अधिक उठे कहीं वायुमंडल जेहेतु धूलिकणामय अधिक थाए, तेणु डस्ट एलर्जी हुए। डस्ट एलर्जी लक्षण गुड़िक जमी नाक हाथ कंचा पा बाहर, आखि लाल पड़वा, आपणकर देह हाथ लाल लाल फलिजा, छिंक हवा, नाक सलसल हवा, यही लक्षण गुड़िक डस्ट एलर्जी देखा दिए, जोटा कि डस्ट एलर्जी का साधारणतः शीत ऋतु में अधिका देखा दे। थंडा ज्वर काश यहीटा गोटे शीत दिन प्राथमिक अवस्था प्राय अधिकांश लोक को होता है, कारण जेहेतु ऋतुर परिवर्तन सहित आपणकर प्रकृतिर परिवर्तन जोगु आमर शरीर रे जेहेतु ताको एडजस्ट करिबाकु टाइम लागे, तेणु साधारणतः थंडा हबार संभावना अधिक थाए। थंडा सेई मानकु अधिक थोर हुए केतेक रोगीकु केतेक लोकंक पाखरे देखुथिबे बारंबार थंडा हुए, तार कारण होची जो मानकर इम्युनिटी कम बा आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम बा दुर्बल से मानक ठारे बारंबार थंडा होता है। आपण गोटे कथा कही रखुची, जो मानकर थंडा एक साधारण समस्या हो पाए, मात्र थंडा जदि बारंबार जन को हुए ताहले तार रोग प्रतिरोधक शक्ति कमिजार अनेक संभावना था। सर ये जो आपड़ थंडा कथा कहते, थंडा छिंक ये नाकरू पानी बाहर एमती लक्षण शीतर आरंभ से देखा मिलता है, तेज या आमे कौन कह सर मैंने कौन ये शीत दिन पर लक्षण आम कहीपर ना गोटे थंडा रोग मानते जमी ज्वर है भाया लगुच शरीर बिंधा होता है एमती लक्षण भी देखा मिलता है बर्तमान। हाँ एमती भी देखा जाए शीत ऋतु आपणकर भूताणु मान साधारणत से मानकर वंश वृद्धि कर, भूताणु मान संख्या बढ़ी जाए, जोटा ज्वर कहते एलर्जी थंडा ज्वर काश हवा से गोटे समस्या, एवं भूताणु जनित जोटा कि भाइराल फीवर जोटा ज्वर अधिक होता है, कारण शीत ऋतु भूताणु मानकर वंश वृद्धि करूताणु मान संख्या आमर बढ़ी जाए, फल जो मान रोग प्रतिरोधक शक्ति कम थाए से भाइराल इनफेक्शन भाइराल फीवर भाई समस्या मान देखा देता है। से भाइराल फीवर रे लक्षण होची कहा को स्वल्प ज्वर हो पारे किंबा केतेक को भीषण ज्वर मध्य हो पारे, तेणु भाइराल ज्वर काश भाइराल इनफेक्शन रे लक्षण ठीक थंडा भाई जपरिक नाकुर आखिर कंचा पा बाहर
गला संक्रमण रहा गला दरज करवा छाती टाइट लगवा इत्यादि लक्षण मान देखा दे था। सर थंडा टा माने वायरस वा भूताणु जनित रोग बोली आमे कहि परबा दुई प्रकार थंडा हो पारे शीत ऋतु रे साधारण तो एलर्जी हेले भी थंडा भली लक्षण देखा दे था एवं वायरल इन्फेक्शन हेले मध्य बा वायरल फीवर हेले मध्य थंडा भली लक्षण देखा दे तो ये जो थंडा केते भयंकर है थंडा थंडा एक साधारण अवस्था है परे किंतु यदि गोटे लोक को बारंबार थंडा हुए अर्थात थंडा हवा द्वारा थंडा एक साधारण अवस्था हेले भी गोटे थंडा जो रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाए फल रे जो माने कर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम थाए से मानको बारंबार थंडा हुए थंडा हवा द्वारा अनेक स्वास्थ्य समस्या मध्य परवर्ती पर्यायर देखा दे पारे तेणु थंडा टी हालुका भाव में नवानी से आम जत्नवान हवा उचित। सर एथिरु रक्षा पाइबार उपाय कौन रही है वर्तमान जेहेतु थंडा दिन समस्त को थंडा होउछि उणा अधिके जेहेतु भाइराल फीवर मध्य कहा जाउछि अनेक लोक को प्रायत शीतर जिते बेले आगमन होता है ये थंडा देखा मिलता है से प्रथम कथा है आम पुष्टिकर आहार उपर गुरुत्व दवा आपण गोटे कथा जानता ऋतु जे भाई बदले सबुले प्रकृति मध्य आम पाई खाद्य शस्यर व्यवस्था रखी था अर्थात आमको प्रोटेक्शन व्यवस्था प्रकृति मध्य करिथाय आपण साधारणतः देखिथिबे शीत ऋतु रे अधिक पनीपरिया एवं फल उत्पन्न होइथाय जेमिति कि आपणकर विटामिन सी साधारणतः रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करिबा सहित थंडा काश एथिरु आमको सुरक्षित करिपारे तेणु विटामिन सी जातीय खाद्य जेमिति कि कमला लेंबू बातापी ये सब जिनस गुड़िक खाद्य सामिल करवा दरकार एसत आप घर भाव खाद्य हलदी आपणकर अदा रसुण को सामिल करवा दरकार एगुड़िका द्वारा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े एवं थंडा पीने आम देह मंदाड़िया रहा आम को मानने कौन से कम को इच्छा हुए माने शरीर सर इनएक्टिव हो जाए जहाँ फल आमको काम करने इच्छा जदि आम चाहूबा भी आम काम करने को इच्छा लगे से तेणु से मुक्ति पाइबा आमको हालुका भाव में व्यायाम करवा दरकार योग करवा दरकार एवं प्राणायाम करवा दरकार प्राणायाम एमती एक जिनस जो थे आमर श्वास प्रश्वास मान तार प्रक्रिया सठिक भाव सुरक्षित भाव यह आमको सुरक्षित करिपारे तेणु श्वास प्रश्वास जनित प्रॉब्लम हम ना एवं आम मन फूर्ति रहा किसी काम करने को इच्छा रेणु योग व्यायाम प्राणायाम को मध्य प्राधान्य दवा ता सहित संतुलित खाद्य को यदि आम नवा रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि हम तेणु थंडा ज्वर काश भाई सामान्य मानने जो गुड़ाक शीत दिन में आमको व्यतीव्यस्त कर पकाए सर एथिरे आउ गोटे जिनस देखा मिलता है कि जितेबाला आपण देखु घरे जन को थंडा होती किंवा ऑफिस रे जन को थंडा होती छिंक काश ये सब होती तेबे आमे देखीचे साधारणत अन्य माने मध्य संक्रमित होती तेबे आमे या कोई परिबा कि जे गोटे संक्रमित रोग जनक पाखरु आउ जनक पाखो के संक्रमित होता है निश्चित भाव कारण मु आपनकु टिके आगर जोटा कहली आज्ञा भाइरस टा साधारणत संक्रमण करे तेनो जनक हेति माने सेटा अन्य जन को डेंगू संस्पर्शे आसने अन्य जन हमार संभावना थाए तेणु जिते बड़े जन को भाइराल इनफेक्शन भाइराल फिवर होंडा काश ज्वर से संक्रमित होते सी पर लोक मान टे दूरे रहा दरकार जमीती कि कोविड बेले आम सब व्यवस्था जमीती कि हाथ धोवा मुहरे मास्क दवा से गुड़ाक मैं कले अधिक लाभप्रद हम कारण वायुमंडल जेहेतु अधिक प्रदूषण युक्त रही डस्ट एलर्जी जो मैंने कहते साधारण से मास्क देने अधिक सुरक्षित रहीपर आय ऋतु अपेक्षा शीत ऋतु आमे अधिक परिष्कार परिच्छन्न को गुरुत्व दवा उचित। सर ये थंडा छिंक वर्तमान जदि क्या हूँ आम कोरोना भाविक भयभीत होबार उचित अच्छी कि वर्तमान समय नहीं भयभीत हवा ना कि थंडा
କାଶ ଜ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ୱରକୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗି ପଡ଼େ, ବିରକ୍ତି ଲାଗି ପଡ଼େ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କତା ରହିବା ବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ଆମେ ଯଦି ନିଜ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇ ଏ ସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। सर यह साधारणतः केते दिन पर्यंत जड़े व्यक्ति पाखे संक्रामिक मानने संक्रामक हो रही है कारण आप देखिए जितेबाला थंडा ज्वर काश ये सब लगि रही गोटे व्यक्ति पाखे साधारणतः केते दिन पर्यंत लगि रही है सब व्यक्ति पाखे व्यक्ति विशेष भेरी करे अर्थात समान संक्रमण हुए से कारण प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग थाए रोग प्रतिरोधक शक्ति तेणु সেটা ভেরি করে কিন্তু সংক্রমণটা বারম্বার হওয়াটা রোগ প্রতিরোধক শক্তি উপরে নিশ্চিত প্রভাব পকায়। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜଣଙ୍କୁ କାଶ କିମ୍ବା ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ସେମାନେ ମୁହଁ ନାକକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସେ ସମୟରେ? କାଶ ଛିଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବାରର ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ଯଦି ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ସେ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଦୂରତା ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ମୁହଁ ଘୋଡ଼େଇ ସେ କରିବା କରିବା ତ ପ୍ରାଥମିକ କାମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଥର ଆପଣ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ହାତକୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇବା ଦରକାର କାରଣ ଭୂତାଣୁ ସାବୁନ ଫେଣରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ କେତୋଟି ଯୋଉ କହିଲି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଇଏ ତ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ସହିତ ଶୀତ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ଚର୍ମ ରୋଗ। ତେଣୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ସହିତ ଆପଣ ଚର୍ମ ରୋଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଉଛେ କି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କମିଯାଉଛି ଶରୀରରେ ଏ ଥଣ୍ଡା ଛିଙ୍କ କାଶ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତେବେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସାର୍ ଏ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭରେ କାହିଁକି ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କାହିଁକି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏ ସମୟରେ କମିଯାଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଦୂଷିତ ହୋଇଉଠେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଭୂତାଣୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଉଠେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ ବା ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଉଠେ ତେଣୁ ଆପଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାଟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇଉଠେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଆପଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଗୋଟି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା କମିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ସାର୍ ଏଥିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତେବେ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଇବା। ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ମିନ୍ସ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଭିଟାମିନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଛି ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଦା ରସୁଣ ହଳଦୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢେ। ଆପଣ କହି ରଖୁଛି ରସୁଣକୁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଦୁଇଟା ରସୁଣକୁ ଚୋବେଇ ଖାଏ ତାର ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ରୋକ ଲଗେଇ ପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆମେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ସହିତ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଫ୍ରି ରହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରି ଟେନସନ କମ୍ ନେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
तबे सर शीत दिन आरंभ हेबा पूर्वर कौन प्रतिषेधक आम नहीं पार कि प्रतिषेधक नवा अपेक्षा आम निजक सुरक्षित रखा व्यवस्था करवाटा अत्यंत उपादेय हम सर शीत दिन में शिशु मान पाखे भी बेसी रोग आर लक्षण देखा मिलता है एथपी सर कौन कर कौन कौन रोग सब तार लक्षण देखा मिलता है सर ठीक समान रोग साधारण शिशु मान पाखे थंडा ज्वर काश ये गुड़ाक अधिक देखा दिए आपणकर तेणु शिशु मान परिष्कार परिच्छन्न रखा प्रति जत्न टे अधिका हो जोटा आपणकर स्किन ड्राइनेस जोटा आसे तेल मालिश करिबा एवं सकाल लाल सूर्य किरण ले हल्का भाव छुआ को लाल सूर्य किरण ले सोइबा आउ एई गुडा जदि करा जाय तन छुआ गुडी को सुस्थ रहिबे एवं तांकु बयस अनुसार जे भलिया खाद्य तांकर आवश्यक रहे सेति प्रति मध्ये ध्यान देबा दरकार सर शीत दिन में साधारणतः ज्वर होता है बांति होता है छोट पिला देखा मिलता है ये सब हेल्ले सर कौन करने को पड़ो देख शीत दिन साधारण थंडा जो अधिकांश शिशु बापरिक वयस्क लोक पानी पीवा कुंठित हमारी आप गोटे शरीर को संतुलन करिवारे पानी रो भूमिका यथेष था तेणु आवश्यक शरीर को आवश्यक पानी यदि न पिया जाए यह मान डाइजेशन हो पारे ना ठीक से हजम प्रक्रिया रे साहय करे ना तेणु आप शीत दिन में अन्य दिन जमी पानी पीवती शीत दिन में पा पीवा दरकार शिशु मान को पानी पीवार अभ्यस्त करवा दरकार तापर से हजम जनित प्रोब्लेम रु आुड़ी घुड़ा हो रहा द्वारा शरीर वायु संस्पर्श से ठीक से आसीपारे तेणु ये बद हजमी हवा ठीक से आपणकर पा न पीवा जो झाड़ा परिसर प्रॉब्लम हवा जो कते क्षेत्र में बांति देखा दिए एवं भाइराल इनफेक्शन जदि भी था बांति देखा दिए बांति गोटे साधारण कथा तेणु ताकूम जत्नवान हवा बांति आम पाई बेसी माने कष्टप्रद हबनी बा बांति भाई समस्या को आम एवोड कर सर ये आउ गोटे कथा आपण जानवी कि जिते माँ को थंडा होा छिंकुची कि जो नाकू पा बाहर से शिशु पाख को जीवा के आवश्यकता रही ना अटकवाक पड़ो शिशु पाख को जीप ना शिशु पाख को गले भी माँ जी स्तन्यपान कर शिशु को से साधारण जी थंडा ज्वर काश छिंक भाइराल इनफेक्शन होते सी शिशु को धरवा पूर्व परिष्कार हाथ में आगे धरतु द्वितीय कथा है माँ पाखु छुआ को रखा दूरे रखा निहाती गोटे कष्टसाध्य जिनस माँ क्षीर आवश्यकता शिशुर जथेष अधिक तेणु से माँ मैने मुहरे मास्क दवा सहित हाथ को परिष्कार कर शिशु को यदि स्तनपान करती जत्न करती ताल माँ पाखु शिशु को आपणकर संक्रमित थंडा संक्रमण हवाटा कमी जीवो सर एमिती मध्य देखिबा को मिले कि आम परिवार भितर थंडा हेछि छिंको कासो होछि किंतु आमे ताकु न मानि होय त पिलाटी को धरिबा पई जाई थाउ पिलाटी को पाखो को आनी थाउ ए संपर्क रे सर कोन परामर्श देबे जे जो दर्शक माने देखु चंती से माने जानि परिबे जे प्रकृत रे आमे आमुक जेते बेले थंडा छिंको कासो होछि ए समय रे आमे केमिति दूरता अवलंबन करबा दरकार रहूछि निश्चित भाव रे जेहेतु एलर्जी को हो किंबा आपणकर भाइराल इनफेक्शन हो भूताणु द्वारा हो जदि थंडा ज्वर काश होती आम तो प्रथम तो जापारती कौन पाई जे नाक आखिर पंचा पा बाहर काश हो समय जब छोट शिशु पाख को आम जा छोट शिशु को संक्रमण डेजार संभावना अधिक थाए तेणु आम अनावश्यक भाव शिशु को माने निजक संजमता न रखिक जी माने आम जारवा आम संस्पर्श आसे शिशु को थंडा डेबार संभावना अधिक थाए तेणु आम जो शिशु को धरवा छुआर जत्न नवा पड़ू छुआ को स्नेह आदर करने पड़ू से आम हाथ को संपूर्ण रूप परिष्कार करने दरकार जदि आमको भाइराल इनफेक्शन होमें हाथ को परिष्कार मुह को लुगारे घोड़े रखा दरकार किंबा
मास्क लगे छुआ को आम जी तार जत्न नवा संस्पर्श आसवा से अपेक्षाकृत कम संभावना था छुआ को संक्रमण देवार एवं आम शिशुर सुरक्षा आम नहींपर सर ये तो गला थंडा विषय आम कथा होते थंडा छींक काश ये सब शीत दिन देखा मिलता है आरंभ से आ सब विषय परामर्श दे कि सर जिते बड़े आम चर्म कथा को जाऊे चर्म जेहेतु शुष्क हो जाए त्वचा शुष्क हो जाए अनेक रोग देखा मिलता है तेज सर यार कारण कौन रही जेहेतु चर्म चर्म रोग की साधारण शुष्कता जो अधिक बढ़ी जाएल से शीत ऋतु आप देखिए फंगल इनफेक्शन आपण एक्जिमा एगुड़ाकर प्रभाव अधिक होते साधारण तो मानने कमनली आप देखिए अनेक क्षेत्र में केशरे रुपी समस्या गोटे देखा दिए एसत भिन्न आपणकर गोड़ फटा भरी समस्या प्राय अधिकांश क्षेत्र में देखा दिए सर गोड़ फटा जब देखा साधारण तो गाँ गहली स्त्री लोक मेरे बेसि देखा मिलता है गोड़ फटा आहेतु खाली पादर भी किसी लोक चलती गोड़ फाटी थाए तो कौन सर परामर्श रहा कौन कले जो गोड़ फटार जत्न नहीं पारे आम प्रथम जानवा दरकार गोड़ कहीं फाटी गोड़ फाटवे अनेक गुड कारण थाए जमी कि जी पादे एक्जिमा थाए गोड़ फाटी पारे शरीर में कैल्शियम मात्रा कम रही गोड़ फाटी पारे एवं साधारण शीत दिन में शुष्क वायुमंडल जो शुष्क चर्म शुष्कता जो गोड़ फाटी जा पारे तेणु आम प्रथम जानवा गोड़ कौ कारण फाटी आम साधारण गोड़ फटार जत्न निजे नहीं पार जमीक गोटे घर उपचार मुझे आपण दुई लिटर पा हालुका उषुम पा गोटे टब्रे आणतु पाद को बुड़ाई रखिए पांच मिनट या द्वारा कौन हुए कि आपणकर भूताणु मानक मान डेथ हो जाए जर्म गुराक मरी जाती तेणु आपच मिनिट नख उषुम पाने पाद को बुड़ाई रखिए परवर्त पर्याय सफा सुखिला कम पोछ दिंतु और मश्चराइजर लगातु यहां दिन में दुई थर करने द्वारा निश्चित भाव में उपशम हम एक साधारण गोड़ फाटे जदि अन्य कौन सी कारण गोड़ फाटुची कैल्शियम अभाव हो कि एक्जिमा हो ये सब कारण जी गोड़ फाटुची डाक्तरों परामर्श नेबार आवश्यकता रही से चर्म रोग शीत दिन में हो कि साधारण थंडा छींक काश आम सर बेले बेले कौन करुचे थंडा छींक काश हेले जाकि दुकान को गोटे मानने औषध मागे आणुचे आम खाई दूचे एमती मन को मन यहाँ के ठीक सर यहाँ संपूर्ण भाव एक भूल कथा कारण थंडा ज्वर काश एलर्जी भाइराल इनफेक्शन भूताणु द्वारा संक्रमित होते ठीक से किसीटा लक्षण सामान रही है तेणु आम जी मन इच्छा आषध खाई तेणु डॉक्टर डाक्तर परामर्श नवा निहाती जरूरी उठे कारण यहाँ कौन कारण जे डाक्तर ताको जापर एवं ठिकना रोग को ठिकना औषध खावा द्वारा आम शीघ्र सुस्थ हवा जदि आम मन इच्छा खाइबा साधारण मन इच्छा खाइबा द्वारा केतक क्षेत्र में भल हो जाए कि भूताणु जनित रोग होती एलर्जी औषधे खाईदे कि पारासीटामल खाईदे से भूताणु द्वारा होता संक्रमण संभावना रही आज्ञा सर ये आउ गोटे कथा आपति कहते कि आम जमी गरम पा उषुम पा आम गोड़ बुड़ेबा एमती रही सर आम किसी से जो बजार में मलम बिक्री होंबा लोसन बिक्री होवहार व्यवहार कर मात्र डाक्तर परामर्श नवे चर्म रोग विभिन्न प्रकार रोग रही एक्जिमा कथा कहते गोड़ फाटा कथा कहते सोरियासिस गोटे रोग सार रही जोटा कि बर्तमान देखते शरीर में अनेक प्रकार चर्म रोग रही जोटा शीत दिन अत्यधिक विपज्जनक होता है कष्टदायक होता है सेतेबेले चर्म रोगी कौ प्रकार पंथा अवलंबन कर आवश्यकता रही चर्म रोगी साधारण शीत दिन में आपणकर साबुन को अधिक एवोड करने दरकार अति
ଯେତେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ସାବୁନକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ଗ୍ଲିସେରିନ ଯୁକ୍ତ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ମରୋଗୀ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସାବୁନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ମରୋଗରେ ସାବୁନକୁ ଏଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇ ରୁପି ସମସ୍ୟା ଯାହାର ଥାଏ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରୁପି ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ତେଲ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ରୁପି ସମସ୍ୟା ବଢି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରୁପି ସମସ୍ୟା ଯାହାର ରହିଛି ସେମାନେ ତେଲ ନ ଲଗାଇବା ଭଲ ହବ। ସାର୍ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଏ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆମେ ଚର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏପଟେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସାର୍ ଯେଉଁ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସାର୍ ପରାମର୍ଶ ରହିବ, କାରଣ ଶୀତ ଦିନେ ସେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣତଃ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ ବୟସ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ରହିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ସକାଳୁ ଆଉ ଲାଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସେମାନେ ବସିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ସାର୍ ଶୀତ ଦିନେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ବେଳେବେଳେ ଧଇଁ ସଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡଷ୍ଟ ଏଲର୍ଜି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନେ ତା ସହିତ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥାଏ, ଡଷ୍ଟ ଏଲର୍ଜି ଆମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳିକଣାଟି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗଳାରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଧଇଁ ରୋଗକୁ ଅଧିକ ବଢେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ସର୍ବଦା ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଲୋକ ଗୁଡିକ ଟିକେ ଅଧିକା ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ବା ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଧୂଳି ଯେମିତି କମ୍, ଧୂଳି ଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ କମ୍ ରହିବା, ଦୂରେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ସାର୍ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଶୀତ ଦିନେ ଭୋକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବା କିଣିକି ଖାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ ସାର୍ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଋତୁକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ମିଳେ ଶୀତ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଫଳ ପନିପରିବା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ବା ମାନ୍ଦାଳିଆ ଯୋଗୁଁ ଅଳସୁଆ ଆମେ କାମ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ ଯଦି ଦୂରେଇ ରହିବା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଓଜନ ବଢ଼ିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଓଜନ ବଢ଼ିବ। ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯାହାର ବିନ୍ଧା ହଉଥାଏ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ଜଖମ ଲାଗିଥାଏ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତ ଦିନେ ବେଶୀ ବିନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ସେ ମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ସେମାନେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଏ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ସେଇ ସମାନ କଥା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେମାନେ ମାନେ ଅଳସୁଆ ବି ବା ଯଦି ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର ଏ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧାଟା ବଢି ଯାଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିବାର ତ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ, କହିପାରିବା ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଛିଙ୍କ କାଶ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ତେବେ ସାର୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଶୀତଦିନିଆ ରୋଗ ଏବଂ ତାର ଉପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।